नमस्कार आदाब, मैं हूं शहबाज खान, आप देख रहे हैं JNI न्यूज लाइव। आज हम लोग प्रतापगढ़ के मानिकपुर खजियाने में खड़े हुए हैं, जहां पर आज चांद की 5 तारीख है। लोगों ने कोरोना काल में 2 साल आज़ादारी नहीं की थी, लोगों में बड़ी मायूसी छाई हुई थी, लेकिन इस बार 2 साल के बाद, आज 2 साल के बाद मनाई जा रही है आज़ादारी। लोगों में बड़ा उत्साह है कि आज 2 साल के बाद हमें मौका मिला है आज़ादारी करने का। हर घरों में नजर व न्याज चल रही है, कहीं पे लंगर चल रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। और आइए हम आज 5 तारीख के बारे में जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के अजीज़ों से। बुजुर्गवार, आपका नाम जान सकता हूँ? जी हाँ, मुझे मोहम्मद इशर नकवी कहते हैं। जी इशर साहब, कोरोना काल में 2 साल आप लोगों ने शब्बेदारी नहीं की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी कौम वो कौम है जो शब्बेदारी और आज़ादारी ही के लिए पैदा हुई है। जी, और माँ की गोद में जब हम रहते हैं जी, तब से हमको ये शब्बेदारी और ताजियादारी आज़ादारी ये हमको जो है हमारे घुटने पिलाया जाता है। जी, 2 साल जो हमारे ऊपर गुजरे हैं जी, बहुत सख्त तरीन रहे, जिसमें हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को जो है खुशी की महसूस किया। हमारा अल्लाह का शुक्र है कि अब उससे अल्लाह ने नजात दी है। तो ये 2 साल के बाद जो आज़ादारी कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हमको फिर लग रहा है कि ज़िंदगी फिर से हमारी जो है वापस आ गई, कुछ तवानाई महसूस कर रहे हैं जी, लग रहा है कुछ जवानियों से जैसी हमको महसूस होने लगी है। तो अभी आप लोग बराबर, आज मुहर्रम की 5 तारीख है, तो महफिलों में क्या वो चमक, वो रौनकें दिखाई दे रही है जो पहले दिखाई देती थी? उससे बेहतर दिखाई दे रही है जी, पहले से बेहतर है जी, और इंशाल्लाह इससे और बेहतर होती रहेगी जी, और बहुत शांतिपूर्वक जी, बहुत अमन के साथ में हम लोग आज़ादी कर रहे हैं जी। माशाल्लाह से किसी तरह का कोई जो है कलपचार नहीं है जी, कोई मतभेद नहीं है आपस में, जा रहे हैं। और जिस तरह से होती थी आज़ादारी का जो तरीका हमारे यहाँ था, सिलसिलेवार उस तरह से हो रही है जी, और आशुरे तक इंशाल्लाह सही होती रही जी। आइए हम बात करते हैं, बुजुर्ग भाई आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम हैदर है जी, और मैं गढ़ी मानिकपुर खजियाने का बाशिंदा हूँ जी। और इन टाइम पे पिछले COVID-19 में जो 2 साल बंद रही अधिकारी, उससे हम लोगों के परेशानी जाहिर सी बात थी, होना तो था ही नहीं, लेकिन वो इंटरनल जो भी होता रहा करते रहे हम लोग, लेकिन उसके बाद इस साल पूरी तौर पे आज़ादारी कायम हुई है। और हम लोग इस मतलब इस चीज़ पे लगा कि हाँ नहीं, हम जिसके लिए पैदा हुए हैं वो काम अब करने की आज़ादी हमको मिली है, और उसको हम इंशाल्लाह। तो 2 साल के बाद सर, ये आज़ादारी करने का जो मौका मिला है, इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या महफिलों में रौनकें बनी हुई हैं और हौसले बने हुए हैं? हौसलों में कभी कोई कमी नहीं रही है जी, क्योंकि हुसैन के चाहने वालों के अंदर हौसला ही तो है जी, जो उसको कायम किए हुए हैं। और हम लोग पूरी तरह से इस तरह के हमारे बच्चे बुजुर्ग जितने भी हैं, हम लोग सब लोग बहुत अच्छी तरह से मौसम चल रहा है, सारे कार्यक्रम अपने टाइम पे अपने उद्देश्य पे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।